हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड। विल स्टार्ट विथ टैक्स रेट नाउ। टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, दैट इज इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। पता है निर्मला सीतारमन जी जब फाइनेंस बजट जो हमारा है वो सुना रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ने टैक्स रेट को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है और इतने सारे एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, ये सब कुछ बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से पता है क्या होगा, अब किसी भी टैक्स पेयर को प्रोफेशनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब दे वोंट रिक्वायर एनी प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उनकी रिटर्न फाइल करे। वो इतना आसान हमने कर दिया है कि हर कोई अपनी टैक्स कंप्यूटेशन खुद ही कर लेगा और रिटर्न फाइल कर लेगा। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों को भी आसानी से ये टैक्स रेट समझ में आ जाता है कि नहीं। देखिए ये कितना सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं। टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, यू विल फाइंड थ्री स्लैब्स ओवर हियर। तीन डिफरेंट टैक्स रेट के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। जो पहला वाला है दैट इज फॉर रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन। और रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं? हु इज 80 ईयर्स और मोर। दूसरा वाला जो स्लैब है, जो टैक्स रेट है, वो है फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं? हु इज 60 ईयर्स और मोर, बट ऑब्वियसली लेस देन 80 ईयर्स, क्योंकि 80 ईयर्स हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वेरी सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मीन्स 60 ईयर्स और मोर, वेरी सीनियर सिटीजन मीन्स 80 ईयर्स और मोर। अब जो सीनियर भी नहीं है, वेरी सीनियर भी नहीं है, वो हो गए अदर इंडिविजुअल्स। अब एक बात और आपको ध्यान देनी है यहां पे कि ये वाला जो स्लैब है वो वेरी सीनियर सिटीजन कोई भी पर्सन हो उसके लिए नहीं है। दिस इज ओनली फॉर रेजिडेंट। अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर रेजिडेंट। दैट मीन्स ये जो तीसरा वाला स्लैब है वो किसके लिए है? जो भी व्यक्ति 60 साल से कम का है उन सभी के लिए है, लेकिन अगर 60 साल या 80 साल से ऊपर का है तो वो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, जो रेजिडेंशियल स्टेटस होती है पर्सन की वो रेजिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंट, राइट? जो रेजिडेंट है उनके लिए तो अलग स्लैब है, रेजिडेंट और 80 साल से ऊपर, तो स्लैब नंबर वन। रेजिडेंट और 60 साल से ऊपर, तो स्लैब नंबर टू, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? तीसरा स्लैब किसके लिए हो गया? सभी के सभी नॉन रेजिडेंट के लिए हो गया। सभी के सभी नॉन रेजिडेंट के लिए हो गया और 60 साल से नीचे वाले रेजिडेंट के लिए भी हो गया। आइए सबसे पहले हम लोग तीसरा वाला स्लैब देखेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे टैक्स कम हो रहा है। तीसरे वाले स्लैब में जो टैक्स है उससे कम टैक्स लिया जा रहा है दूसरे वाले स्लैब में, और उससे भी कम टैक्स लिया जा रहा है पहले वाले स्लैब में। मतलब जो अधिक उम्र का है सरकार उनसे हमारी कम टैक्सेस ले रही है। थर्ड स्लैब को हम लोग देख रहे हैं। इनकम 0 से 2.5 लाख तक अगर आपकी है तो टैक्स का रेट है निल। इफ द इनकम इज फ्रॉम 0 to 2,50,000, टैक्स रेट इज निल। 2.5 लाख एक रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की इनकम आपकी है तो टैक्स रेट है 5%। 5 लाख एक रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स का रेट है 20%, और 10 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो उस पे टैक्स है 30%। एक बार याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग साथ में। 0 to 2,50,000 निल, 2,50,000 1 to 5 लाख, दिस इज 5%, 5 लाख to 10 लाख कितना हो रहा है? 20%, एंड देन अबव 10 लाख दिस इज 30%। एक बार सिंपली एक एग्जांपल पे इसको अप्लाई करके देखा जाए क्या, करिए। मिस्टर एक्स एज 40 इयर्स, टोटल इनकम 6,40,000, कैसे निकलेगा टैक्स? 0 से ₹2,50,000 निल,
फिर रुपी 2,50,000 वन से लेके रुपी 5 लाख तक, 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है ये। इस पे टैक्स रेट कितना लगता है? 5%, एट द रेट ऑफ 5%। ये डिफरेंस कितना है? 2,50,000 रुपए। पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं है, अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% लगता है। तो 2.5 लाख का 5% कितना हुआ? 12,500। इनकम आपकी कितनी है? 6,40,000। अभी अगेन यू हैव टू गिव टैक्स ऑन 1,40,000। पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं, अगले 2.5 लाख पे 5%, और फिर अगले 1,40,000 पे 20%। नाउ 5,01,000 टू रुपीज 6,40,000 एट द रेट ऑफ 20%, तो कितना हो गया? 28,000। तो टैक्स आपका बनेगा 40,500। हाउएवर ये फाइनल टैक्स नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सारी चीजें और भी आपको आगे पढ़नी है। सरचार्ज होता है, रिबेट होता है, सेस होता है, ये सब जब पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली जो फाइनल टैक्स होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, कुछ एड और लेस होने के बाद ये फाइनल टैक्सेस आपका बदल भी जाता है। तो अभी जितनी हम लोग ने जानकारी ली है उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो टैक्सेस कितना आता है? 40,500, राइट? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड 10 लाख। अगर मान लीजिए मेरी इनकम 10,50,000 है तो टैक्स कैसे लगेगा? पहले 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा ही नहीं, फिर अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 5 लाख पे 20%, और 10,50,000 था तो फिर नेक्स्ट 50,000 पे कितना लगेगा? 30%। आई होप आई एम क्लियर विथ एवरीवन। लेट मी डू अनदर एग्जांपल फॉर यू। मिस्टर एक्स एज 45 ईयर्स। क्या मुझे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट आपको बताने की आवश्यकता है? नहीं बताने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है फर्क नहीं पड़ता। 60 साल से नीचे वाला है, 60 साल से नीचे वाले सभी के लिए टैक्स रेट कौन सा लगता है? तीसरा वाला। ये जो दूसरा स्लैब और पहला वाला स्लैब था वेरी सीनियर और सीनियर के लिए, वो कब लगता है? जब रेजिडेंट हो बंदा। तो 60 साल से नीचे वाले के लिए तो जानने की आवश्यकता ही नहीं है रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट, स्लैब एक ही है। टैक्सेबल इनकम इसकी ले लीजिए 10,80,000। कैलकुलेट करते हैं इसका टैक्स, 0 से लेके 2,50,000 रुपए तक निल। रुपये 2,50,000 वन से लेके रुपी 5 लाख तक कितना हो जाएगा? एट द रेट ऑफ 5% दिस विल बिकम 12,500। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं समझ में आ रहे हैं ना? हम ऐसे बोल रहे हैं, पहला 2.5 लाख कुछ नहीं, अगला 2.5 लाख 5%, फिर 5,01,000 से लेके 10 लाख रुपए तक, दैट मींस अगला 5 लाख रुपए, एट द रेट ऑफ 20% दैट विल बिकम 1 लाख रुपी, और फिर 10,01,000 से लेके कहां तक? 10,80,000 रुपए तक 30% का टैक्स लगेगा। 80,000 का 30% कितना हो गया? 24,000। अब ये जोड़ लीजिए, ये आपका टैक्स हो गया। वन लाख 36,500। हाउएवर दिस इज नॉट द फाइनल टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट। फाइनल टैक्स पेबल के लिए भी आप बहुत सारी और चीजें पढ़ेंगे जो इसमें अभी एडजस्ट होंगी, तब फाइनल टैक्स आएगा। बेस टैक्स जो बन रहा है आपका वो इतना बन रहा है। हाउएवर अभी हम लोग को बहुत सारे इलस्ट्रेशन करने हैं तो विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अभी तो स्लैब को अप्लाई कैसे करते हैं ये सिखा रहे हैं। चलिए, दिस स्लैब इज फॉर अदर इंडिविजुअल, मतलब बिलो 60 ईयर्स, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट।
इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एचयूएफ, यही स्लैब एचयूएफ के लिए है, यही स्लैब ईओपी के लिए है, बीओआई के लिए, एजेपी के लिए है, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. सो दिस स्लैब इज एप्लीकेबल फॉर होम, इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी. ब्रैकेट में बॉर्न ऑन और आफ्टर कुछ दिया हुआ है, उसको अभी छोड़ दीजिए, देखेंगे बाद में. अब आ जाइए सेकेंड स्लैब पे. वन हु इज मोर देन 60 ईयर्स और मोर, वन हु इज 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. चलिए देखिए, अगर आप 60 साल के हो गए हो तो सरकार आपसे थोड़ा कम टैक्स ले रही है. पहले अभी आप देख रहे थे ना, जीरो से लेकर 2.5 लाख रुपए तक नील था, अब आपको देखिए थोड़ा ज्यादा फायदा मिल रहा है, 0 से 3 लाख रुपए तक नील हो गया है, और फिर 3 से 5 लाख तक 5% हो गया है, जो कि यहां पे 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, और अब यहां पे कितना है, 3 लाख 1 से 5 लाख तक 5%, बिकॉज 3 लाख तक तो नील हो चुका है. फिर 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख के ऊपर 30%, ये कॉमन है, ये यहां पे भी यही था. तो बस हमको पहला और दूसरे स्लैब में अंतर है, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है. अंतर सिर्फ इतना है कि नॉर्मली सिटीजन को क्या दिया जा रहा है, 2.5 लाख तक नील दिया जा रहा है, सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक नील है, और फिर अगले मतलब 5 लाख रुपए तक जहां तक नील होता है, उसके बाद 5 लाख रुपए तक क्या होता है, 5%. तो यहां 3 लाख तक नील है, तो 3 लाख से 5 लाख तक फिर क्या होगा, 5%. आइए वेरी सीनियर सिटीजन के केस में देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है. यहां पे 5 लाख रुपए तक नील हो जाता है, नॉर्मल सिटीजन को 2.5 लाख तक नील, सीनियर को 3 लाख तक नील, और वेरी सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक नील. तो जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, सरकार उनको क्या कर रही है, ज्यादा लिक्विडिटी उनके हाथ में दे रही है कि देखो तुमको कम टैक्सेस सरकार को देना है, तुम्हारे हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा. 5 लाख तक नील, 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक 20%, क्योंकि 5% वाला तो स्लैब ही गायब हो गया ना, क्योंकि 5 लाख वाला स्लैब क्या होता था, जहां तक नील उसके बाद से 5 लाख तक 5% होता था, जहां तक भी नील है उसके बाद 5 लाख रुपए तक 5% होता था, यहां तो 5 लाख तक पूरा ही नील हो गया. तो अब सीधे अगला स्लैब आ जाएगा 5 लाख 1 से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर, और ये कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है, तो ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं, ये दोनों तो तीनों में कॉमन चल रहा है, 5 लाख से 10 लाख 20 और 10 लाख से ऊपर 30%. बताइए इतनी बात क्लियर है आपको. एक वेरी सीनियर सिटीजन के लिए कर लें, चलिए एक एग्जांपल करिए. मिस्टर एक्स वेरी सीनियर सिटीजन, ये रेजिडेंट भी है, वेरी सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट भी है, टोटल इनकम जो है इसकी वो 5 लाख 20 हजार रुपए है. तो हम कैसे करेंगे, 0 to 5 लाख, 0 to rupee 5 लाख इज nil, 5 लाख 1 रुपी से लेके ₹5,20,000 तक एट द रेट ऑफ 20%, कोई दिक्कत ही नहीं है, 4,000 रुपए टोटल कर दीजिए, दिस विल बिकम 4,000 रुपीज. हालांकि अगर ये वेरी सीनियर की जगह वेरी सीनियर सिटीजन ना होता, सीनियर सिटीजन भी ना होता, नॉर्मल सिटीजन होता, तो क्या होता है ऐसे केस में, तब हम लोग 2.5 लाख तक नील करते, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और लगाते टैक्स. अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूं, आइए फिर से करते हैं. क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स वेरी सीनियर सिटीजन नॉन रेजिडेंट, टोटल इनकम 5,20,000. जब आप सॉल्व कीजिए तो एक मिनट पहले मैं आपको दूं, आप करिए सॉल्व.
I hope you people know where you are watching me. You are watching me on YouTube channel of Unacademy, जिसका नाम है Unacademy CA Aspire. इस YouTube चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल है. कंप्लीट सीरीज ऑन इनकम टैक्स अमेंडमेंट, पास्ट ईयर पेपर, कॉस्टिंग की कुछ सीरीज है, फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज है, बहुत कुछ है यहां पे. हैव यू एवर सीन इट प्रॉपरली? इफ नॉट तो शुड आई हेल्प यू इन गोइंग थ्रू द एंटायर यूट्यूब चैनल? आपकी हेल्प करूं, आपको बताऊं इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है? आइए, आप यूट्यूब सर्च कीजिए चैनल Unacademy CA Aspire. तो देखिए ये है चैनल. नाउ यहां पे हम लोग वीडियोस में जाते हैं. आई हैव क्लिक्ड वीडियोस. नाउ सी पास्ट ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन क्लास ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, राइट, जीएसटी का टॉपिक है. इश्यू ऑफ डिबेंचर, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन फॉर सीए फाउंडेशन, द एंटायर सीरीज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट, दस सो मेनी थिंग्स. तो आप इसका उपयोग लीजिए परफेक्ट तरीके से. प्लेलिस्ट में आइए, जहां पे लंबी सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है. यू कैन फाइंड EISSM अमेंडमेंट, सीरीज ऑफ ऑडिटिंग, इनकम टैक्स अमेंडमेंट. आई हैव टेकन दिस इनकम टैक्स अमेंडमेंट कंप्लीट अमेंडमेंट क्लास फॉर मे 20 एग्जामिनेशन, एंड दिस इज इक्वली यूजफुल फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन एज वेल. आपके कोर्स में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी दो क्लासेस हैं, ये भी यहां पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, राइट. फिर इसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए. एवरी डे Unacademy इज गोइंग टू पोस्ट समथिंग न्यू विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इट्स एन नोटिस ऑल्सो एट टाइम्स. जो भी अपकमिंग क्लासेस आ रही है YouTube पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. कभी कभी स्पेशल क्लासेस जो Unacademy के प्लेटफॉर्म पे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है. तो इसे जरूर आप रोज विजिट किया करिए. आप देखिए कि व्हाट इज द अपकमिंग क्लासेस, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती है, राइट. देन यू विल फाइंड Unacademy CA Plus, एक लिंक देख रही है आपको यहां पे, Unacademy CA Plus, इसको क्लिक कीजिए. सो यू विल नाउ रीच टू Unacademy प्लेटफॉर्म. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस Unacademy प्लेटफॉर्म? दिस ऑफर्स अ पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन. सपोज आप अगर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने तक आप CA की सभी एजुकेटर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, राइट. एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस ऑफर की जा रही है. अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद सेम सब्सक्रिप्शन में इंटरमीडिएट भी कंटिन्यू कर सकते हैं. यहां पे सिर्फ आपको क्लासेस ही नहीं मिलती, लाइव टेस्ट, क्विजेस ये भी मिलता है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. यहां पे आपको टीचर्स की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं. हम यहां पे एजुकेटर्स को देख सकते हैं. देखिए, दीज आर द टॉप एजुकेटर्स. आप एजुकेटर की प्रोफाइल खोल लीजिए और वहां से आप पहुंच जाइए उनकी कुछ फ्री क्लासेस पे. देखिए, ये जब मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की तो इसमें सीए एग्जाम्स में ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर पेड क्लासेस. ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप देख सकते हैं. लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री क्लासेस. तो बिफोर कमिंग टू प्लेटफॉर्म, पहले आप चेक कर लीजिए वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और नॉट. अगर आपको ये स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा, मैं वापस से उस स्क्रीन पे जाता हूं, मेन स्क्रीन पे, जहां पे दिया हुआ है आपको गेट सब्सक्रिप्शन, इसे क्लिक कीजिए. तो दीज आर द ऑफरिंग्स फ्रॉम Unacademy, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, बट आई ऑलवेज रेफर यू टू गो फॉर लॉन्गर पीरियड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आप जितने लंबे पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो उतना सस्ता मिलता है आपको. 24 month सब्सक्रिप्शन इज जस्ट फॉर रुपी 21,000, इट इज इवन लेस देन रुपी 1,000 पर मंथ. एंड आई गिव यू समथिंग मोर, एक मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सभी के लिए. यू कैन यूज द रेफरल कोड स्टडी एट होम.
अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो यू विल गेट अगेन डिस्काउंट। इसको अप्लाई करते हैं, देखिए आपको फिर डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। नाउ द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन इज जस्ट 18,900। बाकी सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसेस कम हो रही है, आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए कि आपको कितने समय की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है और बाय कीजिए इसे। राइट, व्हाट आर टारगेट इज, आवर टारगेट इज टू अल्टीमेटली क्रैक सी एग्जामिनेशन। लेट्स क्रैक इट। आगे आपका आंसर। अब सिंस ये नॉन रेजिडेंट है तो इसको कौन सा स्लैब मिलेगा? हम लोग ने तीन स्लैब रेट्स पढ़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन सा वाला स्लैब मिलेगा इसको? तीसरा वाला मिलेगा, क्योंकि ये जो पहला वाला था वो रेजिडेंट के लिए था, वेरी सीनियर के साथ साथ वो रेजिडेंट भी होना चाहिए, तो इसे पहला वाला स्लैब नहीं मिलेगा। तो इस केस में अब इसका टैक्स कैसे बनेगा? 0 to ₹2,50,000 निल, ₹2,50,000 वन से लेके ₹5,00,000 तक एट द रेट ऑफ 5% 12,500, और ₹5,00,000 वन से लेके ₹5,20,000 एट द रेट ऑफ 20%, जो कि हो गया ₹4,000। तो ये हो गया 16,500। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, अब एक बात और समझने की जरूरत है, हम कौन से असेसमेंट ईयर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? वी आर डूइंग असेसमेंट ईयर 21-22। मतलब हम लोग बात कौन से प्रीवियस ईयर की कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 20-21 की कर रहे हैं, ठीक है। इस साल की इनकम पे हम टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं। ये पीरियड कब से स्टार्ट होता है? ये पीरियड स्टार्ट होता है 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। मिस्टर एक्स जो है वो 60 साल का होता है, इज ऑफ 60 इयर्स ऑन 31/3/21। वो 31 मार्च 21 को 60 साल का होता है। मतलब मैं ऐसे समझाऊं आपको, साल में 365 दिन है, जिसमें से वो 364 दिन तक 60 साल का नहीं था, वो साल के आखिरी दिन कितने का हो गया? 60 साल का हो गया। मतलब ड्यूरिंग द इंटायर ईयर ही वाज नॉट सीनियर सिटीजन, ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ही टर्न्ड आउट टू बी सीनियर सिटीजन। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इसको सीनियर सिटीजन वाला स्लैब मिलेगा 3,00,000 तक निल टैक्सेस ये मिलेगा, या फिर 2,50,000 तक निल वाला मिलेगा? क्योंकि ये सीनियर सिटीजन हो तो रहा है लेकिन साल के आखिरी दिन हो रहा है, ड्यूरिंग द इंटायर ईयर ही वॉज नॉट सीनियर सिटीजन। So what do you say for this? So I'll show you something what is written over here. ये लिखता है कि for resident senior citizen that is 60 years or more but less than 80 years, obviously less than 80 years as because अगर 80 साल का हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? Very senior citizen. At any time during the previous year, पूरे previous year में कभी भी आप 60 साल के हो गए तो आपको ये फायदा मिलेगा। अगर वो साल के आखिरी दिन भी 60 साल का हो गया, 31 मार्च 2021 को उसने हैप्पी बर्थडे कर लिया अपना, 60 इयर्स हो गया, तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। भले पूरे साल तक वो 60 साल का नहीं था, उसे ये बेनिफिट मिल जाएगा एंड हिल बी व्हाट कॉल्ड सीनियर सिटीजन, और उसको 3,00,000 रुपए तक टैक्सेस निल हो जाएंगे। एंड द सेम अप्लाइज फॉर सुपर सीनियर सिटीजन ऑल्सो। सुपर सीनियर मैं किसको कह रहा हूं? वेरी सीनियर को सुपर सीनियर भी कहते हैं, आप लिख भी सकते हैं वेरी की जगह पे यहां पे सुपर। वेरी सीनियर सिटीजन इज ऑल्सो नोन एज सुपर सीनियर सिटीजन।
और सुपर सीनियर सिटीजन कौन है जो 80 साल या उससे अधिक का एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्लियर है इतनी बात। अब सीबीडीटी ने एक क्लैरिफिकेशन दिया। अब ये क्लैरिफिकेशन क्या है इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसकी वजह से भी टैक्सेस बदल जाएंगे आपके। एक बात बताइए, 1 जनवरी 2020 से एक साल पूरा कब होता है? किस दिन एक साल पूरा होगा? 1 जनवरी 2020 से एक साल पूरा कब होगा? एक साल पूरा होता है ऑन 31 दिसंबर 2020, ना कि 1 जनवरी 2021 को। 1 जनवरी 2021 को दूसरा साल शुरू हो जाता है। 1 जनवरी 2020 से एक साल पूरा होता है 31 दिसंबर 2020 को। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि जरा बताओ मुझे 4 जुलाई 2020 से एक साल कब होगा, तो पता है एक साल कब होगा? 4 जुलाई 2020 से एक साल पूरा होता है 3 जुलाई 2021 को, क्योंकि 4 जुलाई 2020 से तो दूसरा साल अब शुरू हो गया। लेकिन हैप्पी बर्थडे का केस ऐसा नहीं होता है। अगर आप 4 जुलाई को पैदा हुए हो तो आपका पहला बर्थडे 4 जुलाई को ही आएगा, होता है कि नहीं ऐसा? तो अब ये जो सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन आया वो क्या समझा रहा है? वो कह रहा है कि अगर आप 1 अप्रैल को पैदा हुए हो, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को पैदा हुए हो, तो आपका पहला बर्थडे कब आएगा? आएगा 1 अप्रैल 2021 को। पहला हैप्पी बर्थडे तो इस दिन आएगा, ये है बर्थडे। लेकिन आप एक साल के हो कब जाओगे? तो कहता है एक दिन पहले ही हो जाओगे, 31 मार्च 2020 को हम आपको एक साल के हो गए हो, ये कब मान लेंगे? 31 मार्च 2020 को मान लेंगे। और अकॉर्डिंगली आपकी जो एज है वो निकाल के हम क्या करेंगे, टैक्स स्लैब आपको अलॉट करेंगे। मैं समझाता हूं, और देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर 2020-21 की बात कर रहे हैं, और अगर इस प्रीवियस ईयर में किसी को सीनियर सिटीजन बनना है तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच कभी भी 60 साल का हो जाए उसको सीनियर सिटीजन वाला स्लैब मिल जाएगा। एक बात बताइए, एक बंदा पैदा होता है, डेट ऑफ बर्थ उसका है 1/4/1961। मैं जानना चाहता हूं ये सीनियर सिटीजन कब बनेगा, तो इसमें ऐड कर दीजिए प्लस 60 इयर्स, 60 ऐड कर दीजिए। 60 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1/4/2021। क्या ये डेट इस प्रीवियस ईयर में फॉल कर रही है 2021 में? नहीं, 2021 प्रीवियस ईयर कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम एज और इनकम कौन से प्रीवियस ईयर की देख रहे हैं? 2021। हमें 2021 की इनकम का टैक्स निकालना है। 2021 की इनकम का टैक्स कौन से असेसमेंट ईयर में निकलेगा? 21-22 में। हम असेसमेंट ईयर 21-22 बोलेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्या बोलेंगे? 2021। और प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम देखनी है और प्रीवियस ईयर 2021 का ही एज देखना है आपको। 2021 में एज 60 साल हो रही है क्या? नहीं भाई, 60 साल की एज तो हैप्पी बर्थडे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 1 अप्रैल 2021 को हो रही है। लेकिन सीबीडीटी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उसमें यह बताया कि अगर आप 60 साल की एज जिस दिन अटेन कर रहे हो, एक दिन पहले ही आप 60 साल के हो चुके हो, यह मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यह बात पता है कि 1 अप्रैल से एक साल पूरा 31 मार्च को होता है, ना कि अगले 1 अप्रैल को। हम हैप्पी बर्थडे 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं तो 1 अप्रैल को मनाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, उसको 60 साल का कब मान लिया जाएगा? 31 मार्च 2021 को। और ऐसा मान लेने की वजह से
ऐसा मान लेने की वजह से क्या होगा, वो प्रीवियस ईयर 2021 में सीनियर सिटीजन हो गया। नाउ ही इज सीनियर सिटीजन इन पीवाई 2021। सबको समझ में आई बात कि अगर कोई 1/4/1961 को पैदा हुआ है, 1/4/1961 को पैदा हुआ या उसके पहले पैदा हुआ है तो वो सीनियर सिटीजन है आज। द करेंट प्रीवियस ईयर 2021 जिसके लिए आपको काम करना है, जिसके लिए आपको टैक्स कंप्यूट करना है, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए एनी बडी हु इज बॉर्न ऑन और बिफोर 1/4/1961 इज व्हाट सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर। नाउ द सेम विल लर्न फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। एक बात बताइए, बॉर्न ऑन 1/4/1941 है कोई, ये वेरी सीनियर सिटीजन कब बनेगा? ऐड कर दीजिए 80 ईयर्स इसमें, 1/4/1941 प्लस 80, ये हो जाएगा 1/4/2021। 80 ईयर्स, 80th बर्थडे तो उसका आएगा 1/4/2021 को, लेकिन सीबीडीटी क्लैरिफिकेशन के हिसाब से 31 मार्च 2021, एक दिन पहले, 31 मार्च 2021, बस एक दिन पहले ये क्या कहलाएगा? ऑफ 80 ईयर्स, 80 साल का मान लिया जाएगा। एंड देयरफॉर इन द प्रीवियस ईयर 2021 ही ये क्या बन गया? वेरी सीनियर सिटीजन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब आप हमसे कहोगे कि सर आप सारे एग्जाम्पल में 1 अप्रैल को पैदा हुआ है यही क्यों ले रहे हो, क्योंकि अगर 1 अप्रैल के अलावा कोई भी डेट को इंसान पैदा हुआ है, एक दिन पहले भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन पहले आप कर दिए तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई 31 मार्च को पैदा हुआ है तो एक दिन पहले ही वो एज अटेन कर लेगा, 30 मार्च को कर लेगा तो भी फर्क थोड़ी ना पड़ा, क्योंकि वो सेम प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है। यहां पे 1 अप्रैल को ये पैदा हुआ था, अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलते तब तो वो प्रीवियस ईयर 21-22 में ना सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर बनता, 21-22 में बनता। एक दिन पहले कर देने से प्रीवियस ईयर चेंज हो गया और वो सुपर सीनियर कब बन गया? एक साल पहले ही बन गया। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर भाई 31 मार्च को कोई पैदा हुआ है, आप कहते हो एक दिन पहले ही वो एज अटेन कर लिया है, 30 मार्च को अटेन कर लिया, तो भी प्रीवियस ईयर तो सेम है ना, फर्क क्या पड़ा? फर्क तो तब पड़ा जब कोई 1 अप्रैल को पैदा हुआ और एक दिन पहले कर देने से पूरा ईयर ही चेंज हो गया। ठीक है, तो आज आपको एक डेट याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एग्जाम में बैठ के एज कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो बताएगा कि इस दिन पैदा हुआ इंसान, हम तुरंत टैक्स निकाल देंगे। कैसे? 1/4/1941 या फिर इसके पहले कोई पैदा हुआ है तो वो क्या है? वेरी सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन दोनों ही कहते हैं, ये कहेंगे। आइए बी ब्रैकेट में जो डेट लिखा हुआ था वो आप देखिए, अब ये डेट याद भी कर लीजिए, बॉर्न ऑन और बिफोर 1/4/1941, बॉर्न ऑन और बिफोर 1/4/1941, याद रखना होगा। अब ये डेट रट लीजिए, याद कर लीजिए, 1/4/1941 के पहले जो पैदा हुआ है वो क्या है? सुपर सीनियर सिटीजन, इस दिन या इसके पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्या याद कीजिए, अब 1/4/1961 के पहले पैदा हुआ है, ये देखिए 1/4/1961 के पहले पैदा हुआ है, लेकिन कब तक? अप्रैल 2/1941 तक, अप्रैल 2/1941, क्यों? क्योंकि अप्रैल 1/1941 के वन या उससे पहले पैदा हुआ है तो वो सुपर सीनियर बन जाएगा। तो हम ऐसे याद रखते हैं, इनफैक्ट सारी डेट नहीं याद रखते, ये डेट नहीं याद रखेंगे हम, ये दो डेट याद रखेंगे, हम कहेंगे अप्रैल 1/1941 के पहले पैदा हुआ है तो वेरी सीनियर है, अप्रैल 1/1961 या उसके पहले पैदा हुआ है तो सीनियर है, यानी अप्रैल 2/1961 या फिर उसके बाद पैदा हुआ है तो वो क्या है? अदर इंडिविजुअल में आ जाएगा, अब 60 साल से नीचे वाला हो जाएगा। तो दो डेट तो याद रखनी है मेन, अप्रैल 1/1941, अप्रैल 1/1961, याद हो सकता है हमें?
ये डेट याद रखिए, इस दिन भी पैदा हुआ है तो सीनियर सुपर सीनियर है, याद रखिएगा। 1/4/1941 को पैदा हुआ है तो वो सुपर सीनियर हो गया है, हालांकि उसका 80th बर्थडे आया नहीं है प्रीवियस ईयर 2021 में, फिर भी वो मान लिया जाएगा। रीजन बीइंग एक दिन पहले मान लिया जाता है कि उसने एज अटेन कर ली है। अब क्लैरिफिकेशन में पढ़ा देता हूं क्या है। सीबीडीटी क्लैरिफाइज दैट अ पर्सन बॉर्न ऑन 1st अप्रैल वुड बी कंसिडर्ड टू हैव अटेन्ड अ पर्टिकुलर एज ऑन 31st मार्च द डे प्रीसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे। कह रहा है कोई भी बंदा जो 1 अप्रैल को पैदा हुआ है वो ये मान लिया जाएगा कि एक दिन पहले ही 31 मार्च को ही उसने वो एज अटेन कर ली है जो 1 अप्रैल को होने वाली थी, एंड देयरफॉर 1/4/61 को जो पैदा हुआ है, 1/4/1961 को पैदा हुआ है, उसको 3 लाख रुपए तक की एग्जिमिशन मिलेगी, 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, और जो 1/4/1941 को पैदा हुआ है उसे 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसका 7 साल कंप्लीट कब हो रहा था, 1/4/21 को, लेकिन मान लिया जाएगा एक दिन पहले 31 मार्च 2021 को। ये नीचे वाले का, इसका 80 साल का पूरा माना हो रहा है 1/4/21 को, 1/4/21 को, लेकिन एक दिन पहले ही मान लिया जाएगा 31 मार्च 2021। राइट, तो ये जो बजट था, हम कौन से बजट की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बजट 2020 विच टर्नड आउट टू बी फाइनेंस एक्ट 2020, राइट, एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 2021-22। इस पर्टिकुलर बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स कंप्यूटेशन को इनफैक्ट और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि ये टैक्स स्लैब के हिसाब से आप टैक्स निकालिए, कंसीडरिंग सो मेनी एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन विच आर गिवन टू यू। इनकम टैक्स में आपको बड़े सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शंस मिलते हैं, अभी आपने पढ़ा नहीं है ये सब बहुत सारी छूट है इनकम टैक्स में जो आपको मिलती है, मतलब ऐसा ऐसा कर दिया तो ये डिडक्शन मिल गई, ये वाली इनकम एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स लगता ही नहीं है, तो बहुत सारी छूट के बाद आपकी इनकम पे टैक्स लगाया जाता है, तो उन सब छूट को लेने के बाद इस रेट पे आपको टैक्स देना पड़ता है। इसी बजट में गवर्नमेंट ने एक टैक्स रेट का स्ट्रक्चर और लाया, कहा जो लोग छूट नहीं लेना चाहते, इनकम टैक्स में बड़ी सारी छूट दी जाती है, छूट नहीं लेना चाहते हैं तो ये दूसरा वाले स्लैब के हिसाब से टैक्स पे कर दें, उसमें टैक्स भी कम आ रहा है। लेकिन अंतर समझिएगा दोनों का क्या है, मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए है और मुझे कुछ एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन मिलती है जो कि 2 लाख रुपए की है, तो दो तरीका है टैक्स कैलकुलेट करने का, एक तो आप अपनी टोटल इनकम 6 लाख रुपए मान लीजिए, 2 लाख रुपए का एग्जेम्पशन डिडक्शन जो छूट सरकार दे रही है वो ले लीजिए और 6 लाख रुपए पे टैक्स कंप्यूट कर दीजिए एज पर स्लैब रेट स्ट्रक्चर विच हैज जस्ट बीन टॉट टू यू, जो अभी अभी पढ़ाया गया, ठीक है, और इसको हम पॉपुलरली कहते हैं ओल्ड स्लैब। क्यों? क्योंकि ये पहले से चला आ रहा है, सरकार ने एक नया स्लैब भी दिया है, अभी आपने पुराना स्लैब पढ़ा है, लेकिन इसको पुराना लॉ नहीं कह सकते, ये आज भी एप्लीकेबल है, ये रेट स्ट्रक्चर पहले से चला आ रहा है, इसलिए हम इसको ओल्ड स्लैब कहेंगे। 6 लाख रुपए पे टैक्स वैसे निकाल लीजिए जैसे अभी आपको पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया, 2.5 लाख तक निल, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 5 लाख तक 20% और फिर उसके बाद 30%, उस हिसाब से निकाल लीजिए, ओल्ड स्लैब से टैक्स निकाल लीजिए। ओल्ड स्लैब टैक्स, और या फिर आप अपनी टोटल इनकम 8 लाख रुपए मानिए, कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन मत लीजिए और न्यू स्लैब के हिसाब से टैक्स निकाल लीजिए। राइट, आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि नया स्लैब रेट स्ट्रक्चर क्या है
और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप इस स्लैब रेट के साथ जाते हो तो कौन कौन से एग्जेम्पशन डिडक्शन आपके मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, आपको नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन हां, अगर सरकार एग्जेम्पशन डिडक्शन आपसे छीन रही है तो टैक्स कम ले रही है, टैक्स का रेट कम है, हम 8 लाख पे टैक्स तो कंप्यूट करेंगे लेकिन रेट कम होने की वजह से आपको फायदा होगा। और यहां पे क्या फायदा है, टैक्स का रेट ओल्ड स्लैब रेट में टैक्स का रेट तो ज्यादा है लेकिन आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन भी मिलती है। अभी जो आपने देखा है वो क्या है, ओल्ड स्लैब रेट। अगली क्लास में आपके साथ देखेंगे न्यू स्लैब रेट। विल स्टॉप हियर।